This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. जिला मंडी के महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हीरदाराम की 137वीं जयंती गरिमापूर्ण समारोह के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मंडी शहरवासियों ने इंदिरा मार्केट के छत पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में नगर निगम मंडी की जिला भाषा अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया विशेष रूप से मौजूद रही। वहीं शहर के वरिष्ठ लोगों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भाई हीरदाराम के योगदान को याद किया। आज मंडी शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाई हीरदाराम ने आजादी के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भाई हीरदाराम की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें अनेक यातनाएं दी गई। आज हमने यहाँ भाई हीरदाराम जी की जयंती मनाई है और भाई हीरदाराम जी के बारे में कई बार कह चुके हैं कि अंडमान जेल में उनको मौत की सज़ा दी गई थी, बाद में वो अंडमान जेल में बदली गई। वहाँ वीर सावरकर के साथ वो भी रहते थे, उनको बड़ी भारी घोर यातनाएं दी गई। कोड़े से मारा जाता था और कोलू के बैल बनाया जाता था। और एक बार वीर सावरकर के कोड़े मारे गए उस अंग्रेज़ के ऊपर, ये बहुत इनको दुख हुआ और उनके लिए जो से बोल पड़े कि क्या कह रहे हैं आप, ये हमारे देशभक्त हैं, तो उसके ऊपर उनको कोड़े की सजा तो दी गई। साथ में एक पिंजरा लोहे का बनाया गया 6 फुट का, जिसमें उनको 40 दिन तक रखा, भूखा प्यासा। और इस तरह से बड़ी भयानक भयानक यातनाएँ दी गई उनको, यहाँ तक कि उनकी पीठ के ऊपर गर्म गर्म लोहे की मोहरें बनाई जाती थी और जब ये सजा देते थे तो उसको गर्म गर्म उनके पीठ के दाग देते थे। इतनी बड़ी जानवरों की तरह यातनाएं सहकर भी वो देश के लिए जी, देश के लिए मरे, तो उनको याद करना हमारा कर्तव्य था और उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। भाई हीरदाराम जी अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। हीरदाराम के पौत्र शमशेर मिन्हास ने अपने दादा द्वारा दिए गए योगदानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लाहौर असेंबली पर भाई हीरदाराम बम फेंकने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों को इस योजना का पहले ही पता चल गया, जिस कारण भाई हीरदाराम को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में यह सजा आजीवन कारावास में बदली गई और काले पानी में उन्होंने वीर सावरकर के साथ यह सजा काटी। आज देश भाई हीरदाराम की 137वीं जयंती मनाने जा रहा है। आज हमें बहुत गर्व है कि भाई हीरदाराम जी, जिन्होंने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, एक छोटी सी उम्र में एक हिमाचल जैसी मंडी जैसी जगह का नौजवान उठकर कहा काला पानी की सजा भुगती उन्होंने, और वो अमृतसर जाके उन्होंने बम राज बिहारी बोस से मिलकर बम बनाने का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने 4 क्वार्टर अपने नाम के लिए, 2 लाहौर में, 2 अमृतसर में, और वहाँ जाके उन्होंने बम बनाने की कला सीखी। और बाद में उन्होंने लाहौर असेंबली से बम बनाने की प्लानिंग की, जो इनका 21 फरवरी को इनका दिन था, वो बदल कर 19 तारीख हो गई, और जिसका किसी ने भेद पुलिस को दे दिया और इस तरह भाई हीरदाराम को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी की सज़ा हुई। जो 26 अप्रैल को मुकदमा चला उसमें इनको फांसी की सज़ा हुई, बाद में वो जो है काला पानी में बदली गई। तो भाई हीरदाराम का योगदान बहुत ज़्यादा है, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे मंडी से एक ऐसा नौजवान जो पूरी लाइफ प्रेजेंट उन्होंने काला पानी में काटी, तो मंडी से थे, इस चीज़ का हमें गर्व है। और आज देश जितनी
अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके लिए हम देश के सभी लोगों ने भाई हिरदाराम क्रांतिकारी जी को बहुत याद किया, उसके लिए हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।